हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीवो का Y28S 5G फोन, और ये फोन मिडिल रेंज में काफी अच्छा होने वाला है। अगर आप 15,000 रुपए की रेंज में अगर कोई फोन देख रहे हैं तो ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करके आज हम इसका पूरा आपको स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने रेनो 12 का अनबॉक्सिंग किया था, उसमें 5 लकी फॉलोअर्स थे जो इन्होंने स्मार्ट वॉच जीती है, वो होने वाले हैं ये। और आज भी आप ये 5 स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका राइट आंसर देना है कमेंट पे। अगर आप राइट आंसर देते हैं तो 5 लकी फॉलोअर्स में आपका नाम भी हो सकता है। तो जल्दी से ये पूरा वीडियो आप जरूर देख के जाइए। तो अभी बात करते हैं इस फोन के अनबॉक्सिंग के बारे में, और जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करके हम आपको बताने वाले हैं कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जल्दी से Y28S का अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोन आपको लेना चाहिए क्या। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ आपको फोन दिख रहा है काफी अच्छी पैकिंग के साथ वीवो यहाँ देता है। तो पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे अच्छी चीज तो आजकल हर ब्रांड अपने फोन के साथ में एक ट्रांसपेरेंट केस आपको देती है, काफी अच्छी क्वालिटी का बना के दिया है वीवो ने। इसके साथ में आपको कुछ पेपर्स मिल रहे हैं, कुछ ज्यादा काम के होते नहीं है। इसी के साथ आपको मिलने वाली है Type-A to Type-C का फास्ट चार्जिंग केबल, और बॉक्स में आपको मिलने वाला है 15 वोल्ट का वीवो का चार्जर जो आपको बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। इसके साथ में आपको एक और अच्छी चीज है जो सिम टूल होता है वो आपको मिलता है, जिससे आप सिम लगाने के लिए काम में लेते हैं। तो अभी इन सबको साइड में करते हैं, जल्दी से इस फोन को रिवील करके मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हमने आपके लिए मंगाया है विंटेज रेड कलर, और बैक साइड से ही आपको ग्लास पोर्ट्रेट के साथ में मिलने वाला है जो आपको मैट में मिलने वाला है। और यहीं अगर बात करते हैं इसके कैमरा शेड्यूल के बारे में, तो यहाँ आपको ग्लोसी सा पैटर्न दिखने वाला है जिससे ये काफी अच्छा दिख रहा है। और यहीं अगर बात करते हैं इसके फ्रेम के बारे में, तो फ्रेम आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाली है, लेकिन इसका ग्रिप काफी अच्छा होने वाला है जिससे आपको फोन होल्ड करने में काफी अच्छी मदद मिलने वाली है। और फ्रंट साइड में अगर बात करें तो आपको LCD, आपको IPS LCD का पैनल मिलने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे इस फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो राइट साइड में आपको यहाँ पावर की बटन मिलने वाला है, और साथ में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलने वाला है। अगर ऊपर की साइड में अगर बात करें तो यहाँ आपको मिलने वाली है स्पीकर की रील, जिससे काफी अच्छा साउंड क्वालिटी इस फोन में आपको मिलने वाला है। और लेफ्ट साइड में आपको मिलने वाली है यहाँ आपको सिम ट्रे, जिसमें आप 2 सिम एक टाइम में आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। मतलब एक टाइम पे आप एक मेमोरी कार्ड एक सिम लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो 2 सिम एक टाइम में आप साथ में चला सकते हैं। अगर नीचे की साइड में अगर बात करें तो यहाँ आपको मिलने वाला है Type-C का चार्जिंग स्लॉट, और आपको 3.5 mm का आपको यहाँ पे हैंड फ्री का जैक मिलने वाला है, और आपको यहाँ एक माइक का सेंसर मिलने वाला है। काफी अच्छा फोन होने वाला है। अभी हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में कि इसके फीचर्स आपको आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी कैसी होने वाली है। इस फोन में आपको मिलने वाले 6.5 इंचीज का IPS HD पैनल मिलने वाला है, जिसमें आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जिससे ये फोन काफी स्मूथली आपको काम करने वाला है। इसी के साथ में आपको 840 nits का ब्राइटनेस मिलने वाला है, जिससे आप इस फोन को आउटडोर अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आप काफी अच्छी तरीके से इसे यूज कर पाएंगे। यहीं अगर बात करें इसके गोरिल्ला ग्लासेस की, तो इसमें गोरिल्ला ग्लासेस का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, जिससे ये फोन की डिस्प्ले आपको सेफ रखने वाली है। डिस्प्ले के बाद अगर पता करते हैं कि इस फोन के कैमरा क्वालिटी कैसे होने वाली है, क्योंकि डिस्प्ले में जो फोटोज आपको देखने को मिलने वाली है वो किस टाइप की होने वाली है। तो इस फोन में आपको मेन रियर कैमरा आपको मिलने वाला है 50 MP का सोनी पोर्ट्रेट लेंसेज के साथ में, ये कैमरा आपको मिलने वाला है जो आपको 1.8 एपेचर का सपोर्ट देने वाला है। और इसका रेयर कैमरे की अगर बात करें तो 2 MP का इसको रेयर कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। और यहीं अगर बात करते हैं इसकी फोटो क्वालिटी की, तो ये पिक्चर आपको देखने को मिल रही है जो आपको इसके रेयर कैमरा से निकाली है, काफी अच्छे कलर के साथ में ये फोटोज आपको देखने वाली है। इसी के साथ में आपको यहाँ अगर इसके सेल्फी कैमरे की बात करें, तो 8 MP का सेल्फी कैमरा आपको मिलने वाला है, जिसमें भी आपको 2.0 एपेचर का सपोर्ट मिलने वाला है। सबके बाद अब बात करते हैं ये फोन वर्क कैसे करने वाला है। तो ये फोन आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट के साथ में। साथ में आपको नैनोमीटर की बात करें तो 6 nm के नैनोमीटर का सपोर्ट मिलने वाला है। और CPU की बात करें तो आपको 2.4 GHz क्वाड कोर CPU आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलने वाला है। और तो ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। इसके साथ में इसे पावर देने के लिए इसमें 5000 mAh का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी यूज किया हुआ है, जिसे चार्ज करने के लिए वीवो ने इस बॉक्स में आपको 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया है। ये फोन 2 अलग अलग वेरियंट में होने वाला है। 4 128 GB आपको मिलने वाला है लगभग 14,000 रुपए की रेंज में, और 8 GB 256 GB आपको मिलने वाला 16,000 रुपए की रेंज में।
तो ये फोन इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा होने वाला है। अभी बात करते हैं इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछने हैं, आपको बताना है इसका मेन सेल्फी कैमरे में कितना अपर्चर मिलने वाला है, इसी के साथ में आपको बताना है कि इसमें कितने वोट का फास्ट चार्जर यूज होने वाला है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए और जो सही कमेंट करने वाले 5 लकी फॉलोअर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में गिफ्ट देने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए कमेंट करिए और ऐसे गिफ्ट जीतने के लिए हमारा चैनल टेक आरिया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि हमारा वीडियो कब आ रहा है और जल्दी से देखेंगे तो जल्दी से गिफ्ट जीत पाएंगे।